यूपी में विधानसभा चुनावों की टिक टिक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल में आज लखनऊ जाकर 75,000 गरीबों को घरों की चाबी सौंपी है। यह आज की हमारी दूसरी लीड स्टोरी है। ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसे घर नहीं कह सकते। दिल्ली में एयर कंडीशन कमर में बैठ करके कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी छत हो। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए घर की सौगात लेकर आए। प्रधानमंत्री ने अपने लखनऊ दौरे में करोड़ों की विकास योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन उनके एजेंडे में सबसे ऊपर था गरीब का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और हंसी मजाक भी किया। ये घर से मैं देर से आते होते आप डांटती होगी। जी सर। ये लेकिन पीएम मोदी का ये कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम भर नहीं था। घर के जरिए प्रधानमंत्री ने यूपी में वोट का लॉकर भी खोल दिया और संदेश भी दे दिया कि पिछली सरकारों से उनकी सरकार कैसे अलग है। पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। चंद महीनों में यूपी में चुनाव होने, लिहाजा प्रधानमंत्री ने आवास योजना के बहाने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी, 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक खुलासा कर सबको चौंका दिया। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। जब यूपी में विपक्षी दल बीजेपी पर आरोपों का पिटारा खोल चुके हैं, उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और गरीबों के उत्थान का तीर चलाकर पलटवार कर दिया है। मोदी की यही खासियत है और यही उनकी सियासत का अंदाज। ABP News आपको रखे आगे।